देखा जाए तो आप बंधे हुए हो। हे निमिनल भगवान, आप बद्ध हो, बद्ध होने पर भी मुक्त प्रतिभासित होती हो। कर्मों की ओर से देखो तो बद्ध दिखाई देते, लेकिन कर्म तो कर्म से बनती है। परिभाषा क्या है? कर्म जीव से नहीं बनते, पुद्गल जीव से नहीं बनते, कर्म कर्म से बनते। लेकिन संयोग की अपेक्षा से देखा जाए तो बंधा हुआ कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा, हे अरिष्ट नेमी जिनेन्द्र भगवान, आप बद्ध होकर के भी मुक्त प्रतिभासित होते, परंतु मुक्त नहीं है, परंतु मुक्त नहीं है, बद्ध होकर के भी। अब क्या कह रहे थे? आप बद्ध होकर भी मुक्त प्रतिभा, परंतु मुक्त नहीं है। सही बात, शरीर है, कर्म है, चारा खा दिया। यद्यपि शरीर से बद्ध है तथापि सदा मुक्त है। अब एक सदा मुक्त है, स्वभाव से देखो तो सदा मुक्त है, संयोग को संयोग में देखो भी सदा मुक्त है, संयोग को संयोग में देखो तो सदा मुक्त है। पर असली बंधन तो चार घातीय कर्म का है, उससे मुक्त हो तो मुक्त ही हो। इसलिए पांच प्रकार का मोक्ष है, पांच प्रकार का मोक्ष समझे? अभी आप कपड़े पहने पहने और शरीर होने पर भी मोक्ष हो सकता है आपको। दृष्टि मोक्ष, दृष्टि मोक्ष समझते हो? गुणस्थान की अपेक्षा चौथा है, लेकिन वो मोक्ष का आनंद कैसा होगा वो चौथे गुणस्थान का? तो मैं उसे समझाने के लिए दृष्टांत के बिना वो समझ में नहीं आ रहा। क्या अभी आनंद नहीं है? गुणस्थान है चौथा, ठीक है। लेकिन ये समझो कि आसाराम बापू जेल में है और उन्हें उन्हें जजमेंट मिल जाए कि आप निर्दोष हैं और बरी किए जाती। ये संदेश सुनने पर जेल में ही है अभी, वो कपड़े वही है, बर्तन वही है, कोठरी वही जहाँ जेल में बंद है उधर ही है, बताओ क्या होगा? जितना आनंद उन्हें हो रहा है ना, जितना आनंद उन्हें होगा, ऐसे चौथे गुणस्थान के आनंद का नाम है मोक्ष। मैंने हमें इसलिए चौथा गुणस्थान मात्र कह के उसे हल्का नहीं, हम उसको फीलिंग कराना चाह रहे। हाँ बात तो सही है, दृष्टि ऐसा नहीं, सगाई होने पर तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, वो कुंवारी दिख रही है, मांग में सिंदूर नहीं भर रही है, बिछिया नहीं पहन रही, कुछ नहीं कर रही, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन उसके उसके आह्लाद को देखो, वह पूर्णतया पति में रम गई है, पूर्णतया ससुराल में रम गई है। यदि कोई सहेली उसके ससुराल की बुराई करे ना, ससुराल तो छोड़ो, शहर की बुराई करे तो भी उसका चेहरा भनक जाता। क्या क्या कह रहे थे? नहीं, हम तुम्हारी तो कभी बुराई नहीं कह रहे, हम तो ग्वालियर की कह रहे हैं। सुनो, ग्वालियर हमारी ससुराल है। उन्हें इतना कुछ कहें, जिस दिन सम्यक दर्शन होता है उस दिन कोई गिरनार और शिखर की बुराई नहीं कर सकता। शिखर जी की हमारे मंदिर की बुराई नहीं कर सकता, हमारे आमनाई की बुराई नहीं कर सकता, सुनते नहीं बनती। क्या कह रहे तुम? हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार के रिश्तेदार की बुराई नहीं सुन सकते। आप क्या समझते हो? 3 कम 9 करोड़ महिलाएं जान की बाजी लगा देंगे, आप बुराई मत कर देना। घर की भाषा में बोले जरा, धोत्रो तोड़ देता हूँ, मोह तोड़ देता हूँ, हमारी पति की बुराई करी तो मैंने, उसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं होती। तो अनंतानुमंदी भाई, मैंने बहुत बड़ा काम हुआ है, मिथ्या दृष्टि बना गया है तो बहुत बड़ा चमत्कार होता है। कोई छोड़ना मत, मिथ्या दृष्टि लगता हम कहा करें, राग देश कर्म से कहा फायदा, उनके कर्म को होता है ना। ऐसा नहीं होता, और फिर कुछ नहीं कर पाए तो प्रसन्न तो नहीं होता, चेहरा तो नहीं खिलता उसका, ये तो पक्की बात है। जोर लगता है तो अपना निषेध करता है उसका। भवितव्य को जान करके शांत रह जाए वो अलग बात है, लेकिन समझदारों को तो समझाए बिना नहीं रहता वो, कैसा होता होगा?
तो आप समझ में आएगा, हे भगवान आप प्रतिभाषित होते हैं मुक्त, लेकिन मुक्त नहीं है, यदि भी शरीर से बद्ध है तथा भी सदा मुक्त है। देखो और इस तरह बद्ध और मुक्त से परे नहीं, देव इसलिए बद्ध है। अब ये कोई अलग अर्थ है इसका, बद्ध मुक्त से परे नहीं हुआ, माने बंधे तो हो ही ना, क्रमबद्ध पर्याय में तो बंधे ही हो, भले ही आज संसार में हो, बाद में सिद्धालय में हो, तो बंधे तो हो ही, सिद्धालय में भी चले जाओ तो भी बंधे, जी कह रहे तो क्रमबद्ध पर्याय से बंधे हो, परिणमन से बंधे हो। मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, बद्ध और मुक्त से परे नहीं, अर्थात बद्ध भी है और मुक्त भी है। सियादवाद के प्रयोग 20 कलश आए जो कर्ता कर्म अधिकार की, हाँ एक और एक नए से देखा जाए तो बंधे हुए दिखते हो, एक और से देखा जाए तो मुक्त दिखते हो, दो नए से देखो तो बंध और मोक्ष दिखाई देता है। मैंने एक तरफ त्रिकाली स्वभाव देखा जाए तो बिल्कुल बंध मोक्ष से न्यारा। दृष्टि का विषय कैसा है, दृष्टि का विषय जो बंध मोक्ष से न्यारा, खूब गीत गाए तो परमा प्रकाश जी ने, ओ वह ध्रुव तत्व कैसा है जिसे बंध ने कभी छुआ ही नहीं, स्पर्श नहीं किया। कलश में क्या लिखा है पीछे, बंध ने आत्मा को कदापि स्पर्श नहीं किया है, कदापि मोक्ष अधिकार में है, कदापि स्पर्श नहीं किया है। पुद्गल परमाणु रूप द्रव कर्मों ने भगवान आत्मा को छुआ तक नहीं, छुआ तक नहीं माने, छुआ तक नहीं माने इतना अनुभव में अप्रभावी अनुभव रहा, ये अप्रभावी अनुभव रहा, छूता तो तुम्हें भी नहीं, या तुम अप्रभावित अनुभव करते थे दुखी, अप्रभावी तो सभी है लेकिन अनुभव नहीं कर रहे। क्या कह रहे, बंध भी है और मुक्त भी है, अथवा आप मोक्ष रूप ही हैं परंतु परमार्थ से मोक्ष रूप भी नहीं है, आप तो एक चेतन रूप है। आप देख कभी कह रहे मोक्ष रूप ही है, कभी कह रहे मोक्ष रूप नहीं हो, और कभी कह रहे आप तो एक चेतन रूप ही है। मैंने इसमें कोई बहुत बड़ी बात कही है, जब हम भगवान के मामले में इतनी बातें कह सकते हैं, सिद्ध भगवान भी बंधे हैं, काय से बंधे हैं, एक अच्छी भाषा बोल देते हैं लोग की भाषा, विधि के विधान से बंधे हैं। विधि का विधान माने क्रमबद्ध पर्याय उसी में आ गया, पर्यायों का उत्पाद भी है तो उससे बंधे हैं, अकर्तावाद से बंधे हैं, तीन लोग तीन काल को जान सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते और भोग नहीं सकते, इससे बंधे बंधे हैं। एक बहुत अच्छी चर्चा मैंने लिखी है उसमें, स्वतंत्रता का स्वरूप, स्वतंत्रता की समझ लेख में, स्वतंत्रता की समझ है पढ़ना उसमें। हर लड़के लड़कियों को एक शिकायत रही है, बहुओं को भी शिकायत, सबको एक शिकायत, हमें बांधन चाहत, हमें बांधन चाहत, हर एक को लगता है सर शिष्य गुरु के अधीन क्यों नहीं रहना चाहेगा, तुम अपना काम करो हमें बंद मारो, हमें जितनी बस की उत्तर करेंगे। भैया सिद्ध भगवान भी बंधे हैं, तुम क्या समझ रहे, बंधे माने विधि के विधान से बंधे, मतलब ये भी पर्याय का उल्लंघन नहीं कर सकते, कर्ता अकर्तावाद का उल्लंघन नहीं कर सकते, अभुक्तावाद का उल्लंघन नहीं कर सकते, आप क्या समझते हो बंधन ही स्वतंत्रता है, एक तरफ दूसरी तरफ रूप नहीं होता, ये बंधन है और ये स्वतंत्रता है, हस्तक्षेप की नीति ये स्वतंत्रता है। हम उसके लिए ऐसा दृष्टांत देते हैं उसमें समझाने के लिए कि एक आदमी मोटरसाइकिल खरीदा, वह हम तो स्वतंत्र है चलाने के लिए, क्यों चला लोगे स्वतंत्र हो गए, हमें जब जिस दिशा में मोड़ना हो, अचानक मोड़ना हो, ऐसे ऐसे चलाना हो, एक पहिया पे चलाना हो, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र, हम उल्टे बैठ के चलाएंगे स्वतंत्र, खड़े होकर चलाएंगे स्वतंत्र, तो मुझे तो बंधन हो गया, हम अपनी गाड़ी अपनी स्वतंत्रता से नहीं चला पा रहे, खड़े खड़े चलाने हुए तो दो ही टांग उठा के चलाने हुए तो सर्कस जैसे, और राइट चलाना हुए तो नहीं चलाने लेफ्ट, बोलो क्या होगा, बंधे हो आप सड़क पर, बंधन में ही स्वतंत्र हो, कोई समझ में आ रहा है, बंधन में स्वतंत्र हो माने तुम्हें दुख नहीं भोगना हो, जेल नहीं जाना हो, चालान नहीं बनवाना हो और एक्सीडेंट नहीं करवाना हो, तो बंधन में रहो,
इसमें तो मेरी ऐसी इच्छा होती है पूरे वर्ल्ड वाइड एक सेमिनार किया जाए, बिल्कुल बोला जाए, हम कोई के बंधन में नहीं रहेंगे। भाई बंधन ही स्वतंत्रता है, सिद्ध भगवान भी बंधन में है, समझ आ गया। बंधन माने मर्यादा, मर्यादा तो अच्छी चीज है। जिस शिष्य को नौ बार पसंद ना हो वो बंधन में नहीं रहना चाहिए, उसे बंधन लगता है। पंडित साहब ने कहा है अज्ञानी को प्रतिज्ञाएं चरणानियो नियम मुक्त स्वरूप हमारे स्वतंत्रता का आह्वान है, वह अज्ञानियों को बंध लगता है। जिसको पंडित साहब ने बहुत सरल डायलॉग में बोला, डायलॉग मैंने अंग्रेजी का शब्द है, अमृत वचन कहो, उन्होंने ऐसा बढ़िया कहा, अज्ञानी को जेल है और ज्ञानी को खेल है, ज्ञानी को खेल है वो। हम मट्टो हम 7 बजे तक कुल्ला करें, हम वैसे ब्रह्मचारी नहीं। अरे तुम कितने प्रकार के ब्रह्मचारी हो, 7 बजे कुल्ला करे वालो वो एक अलग से ब्रह्मचारी हो, एक 8 बजे वालों भी हुई है। इसके कैसे तुमने पंडित साहब के तुमने अपने मन के नियम कहां से बना ली? जे बात जरूर तुम्हारी विशुद्धि नहीं, लेकिन जे नियम तो नहीं बन सकता। यही तुम 7 बजे कर रहे थे, क्षमा मांगने लायक बात है, जिन शासन से प्राश्चित करने लायक है, और जिस तरह बने वो क्रिया सुधारने लायक है, जरूरत पड़े तो मन को दंड देने लायक है, गाय को दंड देने लायक है, पढ़ो जरा। ढला चला चल रहा, चल रहा है, सौ चिंता चल रही थी, चल रही, ऐसा नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ मर्यादा में बंधना बहुत अच्छा है। चलो पुलिस वाले रोकते हैं, नहीं रोकेंगे, चलो रिश्वत खा के छोड़ देंगे, तो एक्सीडेंट से एक्सीडेंट का क्या करोगे? जैसे मोटरसाइकिल है वो भी नियम में बंधी है, पता है वो इंस्ट्रक्शन मैटर मिलता है वो पढ़ने के लिए, इस गाड़ी में ये सुविधा है, तो चाहे जब चौथा गियर लगा दो क्या हुई है, चाहे यहाँ पहला गियर लगा दो क्या हुई है, एक्सीडेंट हो 3 लड़का मर गए शिवपुरी में, कहे दबाने तो ब्रेक दबा तो एक्सीलेटर, वो तो गाड़ी तो नियम से बंधी है। तुम्हारी स्वतंत्रता है क्या? एक तुम्हारी स्वतंत्रता माने क्या? हमें लिए मौका मिल गया हमें कहने के लिए, सिद्ध भगवान भी मुक्त नहीं है, वे भी मर्यादा से बंधे हैं। अभी एक वीडियो दिखाया था इन बच्चों ने रामचंद्र जी के बारे में, कि रामचंद्र जी के जीवन से कैसे आप पूरा मैनेजमेंट सीख सकते हो, मैनेजमेंट मैंने बहुत अच्छी क्लास ली उसने सुनाया उसने। जब तक रामचंद्र जी अयोध्या में रहे तब तक भी राजकुमार राम थे, लेकिन वनवास में जाने के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तुम क्या समझते हो? कठिनाइयां आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, संकट आते हैं, उससे तुम प्रसिद्ध होती हो, भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। देखो भाई ऊंची सोच हुए बिना ऊंचा परिणाम नहीं हो सकता। मैं तो अभी आज सोच रहा था कि हम सबसे कहेंगे 10 लक्षण होंगे, अपना अपना घर संभाल के आओ 5 मिनट, मैंने अच्छा बिल्कुल एक्यूरेट करके आओ, और फिर हमें कहेंगे एक काम करो अब एक दूसरे घर जाओ और कमियां निकाल के लाओ। तो मेरे ख्याल से कमियां निकालने वाले बहुत मिल जाएंगे, इनके घर गए बहुत बेकार थे, इनके घर में गए तो अपना घर संभालो। कुछ कहा हमने? घर कह दिया इन लोगों को, कहते थे हम तो रूम कहेंगे, अपना रूम संभालो। हिंदुओं की प्रथा की बात करते हैं, हिंदुओं की प्रथा में दीपावली पर अपना घर बहुत साफ सुथरा करते थे, बिल्कुल चकाचक करते, क्यों करते पता है? लक्ष्मी जी आई। एक काम कर तुम भी ये मान के चलो ना, तुम्हारे कमरे में कभी गुरु पधारेगी, महिराज पधारेगी, तुम्हारे चौके में कभी आचार्य श्री पधारेगी, करो ना तुम। हाँ बात तो है नहीं, कोई है तो है ही नहीं, ये हम कब तक परेशान हो? परेशानी है तुम इसे भक्ति नहीं समझते, तुम्हारा घर रोज शुद्ध होगा ये भक्ति नहीं लगती तुमको? समझ गए, अज्ञानी को जेल है, तुम्हारी भाषा निकाले आई आके, क्या भाषा निकाले आई? हम कहाँ तक परेशान हुए? अच्छा तो हर दान परेशानी है तुम्हें, इसीलिए नहीं मिल रहे तुम्हें। हमसे कई बार लोग पूछते हैं साहब लिखिए ग्रंथ में कि पंचम काल के आखिरी तक भाव लिंगी संत होंगे, तो हमें मिलत का ही नहीं, हमें जय से नहीं मिलत।
तुम्हें उनका आहार दान भी कंटाला लगता है, तुम्हें उनके वजह से चौका संभालना पड़ेगा, ये तब भारी लगता है। और फिर एक बज जाएगी, फिर 12 बज जाएगी, हम इतने बर्तन हो जाएंगे, भ्रष्ट लोग हैं, बढ़िया 4 बर्तन में काम ही पड़ेगा क्या? और जब मुझे पधारेंगे तब तो आपको हर चीज ढांकनी भी पड़ेगी, पटा पे भी रखनी पड़ेगी, फला भी करना पड़ेगा, नाले आले की चम्मच अलग अलग होंगी, तुम्हें तो बर्तन बहुत हो जाएंगे। हे भाई, हम तो मर गए आज, मर गए, यही तुम्हारी सोच ऐसी, इसलिए तुम्हारे यहाँ भावलिंगी संत नहीं पधारेंगे। सोच क्या है तुम्हारी, थोड़ा कहा बहुत समझना। मैं तो मुझे तो ये कहना, बंधन में ही मोक्ष है। क्या कह रहे, क्या मतलब? मर्यादाओं का बंधन। ये चरणानियों की बात की हो, चरणानियों की, द्रव्यानियों की बात करो तुम, अकर्तावाद का बंधन में ही रहना पड़ेगा मोक्ष होने पर भी, अनंत वीर प्रकट होने पर भी, एक भी पर्याय का कर्ता नहीं बनोगे तुम। लोग में तंत्र मंत्र क्यों करते हैं सिद्ध, किसी का बिगाड़ने के लिए? तांत्रिक क्या करते हैं, सिद्धियां क्यों, विद्याएं सिद्धि क्यों करती? उसमें इतना बढ़िया लिखा है पद्म पुराण में, 8 दिन तक अष्टांगा में बड़ी एकाग्रता से भक्ति करी शांतिनाथ भगवान के जिनालय में रावण ने, रावण ने बड़ी एकाग्रता से, लेकिन परलक्ष्य से कर रहा था। इतनी एकाग्रता बताई आचार्य देव ने, इतनी एकाग्रता स्वलक्ष्य किया होता तो अंतर्मूर्ति में केवल ज्ञान हो जाता। वो बहुरूपणी विद्या जो भी विद्या सिद्ध कर रहा था, घर का लिख रहा था, पर के लक्ष्य से कर रहा था। तब क्यों जी शिवसम ज्ञान क्यों बढ़ाना चाह रहे हो, ग्रंथ पढ़ के प्रवचन सुन के? बोलो, इसमें प्रवचन सुनने का उद्देश्य क्या है? यदि परलक्ष्य है तो कल्याण नहीं होगा। सुनो, तुम विश्व में कभी एक दस दूसरे को समझा नहीं पाएगा। अब पढ़ो, समझाने के लिए मत पढ़ो, वो समझने की योग्यता होगी, समझ जाएगा। हमारे वचन का योग होना तो हो जाएगा, हमारे वचन कहाँ होती। पंडित साहब से कहा, आज का प्रवचन आपका बहुत अच्छा है। बोले, हमारा थोड़ी है, भगवान की दूध नहीं है, वो हमारा नहीं है, ये तो बोलते हुए हम दिख रहे हैं, वाणी तो भगवान की है, आरोप हम पर आ रहा है, ये तो हमारा कुछ नहीं है, भगवंतों की वाणी इससे भी अनंत गुणी मधुर है, हम तो कुछ नहीं कह पा रहे, ना ना हमारे प्रेजेंटेशन की कमजोरी है, वाणी तो। पंडित साहब ने इतना अच्छा बोला, एक बार एक समय में सारे विश्व के संकलित हर ले, इतनी ताकत वाली वाणी है ये, उसका नाम दिव्य ध्वनि। क्या कहा? एक समय मात्र में सारे विश्व के संकलित दूर कर दे, इतनी सुंदर वाणी है, उसका नाम है दिव्य ध्वनि। और दिक्कत है कि हम उसे वैसे सुनते नहीं, वैसे पढ़ते नहीं। हाँ ठीक है, बात तो सही है, कभी नई बात तो आई नहीं, आई वृष्टान तो आ ही रहे, अरे बहुत कहानी कह रहे, अरे कहीं ना कहीं सोच के तुम खुद ही छुप गए से है। कभी मत सोचो, सोचने का तरीका बता दिए, फिर से कहते रहे, बंदे हो तो मुक्त देख सकते हो, मुक्त है तो बंदा देख सकते हो, यह कह रहे ना, आप मुक्त होने पर भी बंदे हो, मुक्त होने पर कैसे बंदे हो? मर्यादा से बंदे हो, लड़के लड़की को शादी करना अच्छा क्यों नहीं लगता? वो मर्यादाओं से बंधना नहीं चाहिए, जब तक मर्जी है संग्रह चलते बनो। और लड़का लड़की बन जाते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ होती, कहे कि लड़की की शादी लड़का से नहीं होती, उसकी सास से भी होती है, बहू से, ससुर से भी होती है, सबकी जिम्मेदारी, मैं भारतीय परंपरा में सबकी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी, ननद हो, देव हो, जिठानी हो, सब उस घर के नौकर चाकर हो, उनसे तक बंधना पड़ता है, बंधना पड़ता है, जी कह रहे हैं, मैं सबका ध्यान रखना पड़ता है, बंधना मतलब यदि प्रतीक है। मैंने पहले कहा था, हाथ से शादी थोड़ी होती है, पूरी आमनाय से शादी होती है, पूरी परंपरा से शादी होती है, और आजकल चाहते नहीं, नहीं चाहते, इसी में से दुख निकल रहा है, जितने दुख निकल रहे हैं वो तुम नहीं बनना चाह रहे थे, बेबी क्यों बने? बड़े लोगों को भी ये लगता है, हम तो करोड़ों रुपए जायदाद देवी के लाजे, हम देवी के लाजे बंदे, और तुम हमें 2 रोटी नहीं दे पा रहे, तुम भी फिर अलग अलग हो जा। ये दृष्टांत दिया, ऐसे गुरु शिष्य में अब बनना नहीं चाहिए, तो जिनको इनके संगे रहने पड़ेगा।
तो जिन बार इनकी सेवा करनी पड़ेगी। सेवा ये तो महाभाग है, सेवा करना पड़ेगी, करना पड़ेगी नहीं होना चाहिए। कोई कोई माँ ये कहती है अब बच्चा पैदा होगा तो हमें पालने पड़ेगा, दूध पिलाने पड़ेगा, मंगाने पड़ेगा, क्या मंगाना समझते, क्यों करना पड़ेगा, हम जिंदगी के मारे परेशान हो जाए। और ये घटना घट रही तेजी से, मैं तो इसी कह रहा हूँ सारे भी इसको क्या सुनाना चाहता हूँ अभी सुना रहा हूँ। जबलपुर में एक बच्ची थी बेचारी छोटी सी, पॉलिथीन लपेट के लाई और मॉल में आई, एक महिला आई इधर उधर देख के खिड़की पीछे से गटन फेंक गई, पॉलिथीन पैक कर गटन फेंक गई। दूसरे दिन मिली वो बॉडी उसकी, पकड़ी गई महिला, पता तो लग जाता है, सब कैमरे में आते तो सब जगह कैमरे लगते। बहुत मैंने पूरे देश में हाहाकार मचा कि एक माँ अपनी बेटी को ऐसे फेंक सकती, बहुत घटनाएं हो रही है अभी तो क्या मतलब निकला। इसलिए मैं कहता हूँ ये शादी से पहले ट्रेनिंग ले लो, शादी करो उससे पहले जो ट्रेनिंग है कि आपको सबसे बंधना है, हमें कोई से मतलब नहीं है। तलाक क्या चीज होती है, हमें कोई से मतलब नहीं, हमें पति से तक मतलब नहीं। फिर सुन लो, ऐसी स्त्रियां और भी भयंकर दुखी होती हैं, क्यों, उनका कोई स्वामी नहीं होता, हर कोई उनका दुरुपयोग करता है और आखिरकार मरते समय कैसे छोड़ जाते, कोई नहीं पूछता। और देखना हो इंग्लैंड जाके देखे आप, बुजुर्गों को होम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों की मर्यादा में नहीं रहे, मर्यादा समझ गए, जिम्मेदारी पालना, अब नहीं थी तुम छोटो, तुम जब तुमने 50 पत्नी बदल ली, हमसे तो कोई मतलब नहीं था तुम्हें बचपन से, अब वहां नहीं पाल, चलो तलाक इतना महंगा पड़ता है और अनाथ की तरह एक भी आदमी की समाधि मरण नहीं होती, समझ लो। मैं कुछ कह रहा हूँ सब लोग बच्चों के लिए, बेटे मर्यादा में ही स्वतंत्रता है, बंधन जिसे कह रहे हैं बंधन में ही स्वतंत्रता है, बिना बंधन कोई स्वतंत्र नहीं है। अब द्रव्यमान से बोलो, एक दर्द दूसरे रूप हो जाए तो स्वतंत्रता कहाँ बची, एक दर्द दूसरे में हस्तक्षेप करने लगे तो स्वतंत्रता कहाँ बची, क्या मतलब, अपने स्वभाव की मर्यादा में रहने से स्वतंत्रता होती है। सूक्ष्म बात कर लो बस, अपनी मर्यादा में अनुभव करने से स्वतंत्रता है। बहुत बढ़िया कला से, बहुत मैंने छंद जो है बहुत सुंदर है। फिर से कहता हूँ, बंधे होने पर भी मुक्त हो, मुक्त होने पर भी बंधे हो, मुक्त भी हो बंधे भी हो, प्रयोग है ना इस तरह के। अब हम एक बात करें, जब तुम्हें ऐसा लगे ना हम बंधे, तो सोचो तुम स्वभाव से मुक्त अनुभव करो, अनुभव करो, कौन ने मना किया। अब 10 साल से पिताजी बीमार पड़े, कहां तक उनकी सेवा करें, तो उसी समय स्वभाव से मुक्त देखो ना, मर्यादाओं से मुक्त होने की कोशिश मत करो। और नहीं तो एक काम करो, उनके स्थान पर अपने को रखो, अपन भी 10 साल बीमार पड़े हो तो क्या अपेक्षा है आपको, बोलो देवेन क्या लग रहा है तुम्हारी 10 साल बीमार हो जाए तो क्या चाहते हो आप, जी चाहते ना। अब घर में कोई ना हो और भैया हो अलग अलग रह रहे, क्या चाह रहे बोलो, सब भैया भाभी आके वहीं सेवा करें, तो सुनो तुम भी करते रहो, करते रहो। हम ये चाह रहे हैं हमारी समाधि कोई अच्छे से करा दे और हम कोई की ना कराए ना, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्मचारियों का बड़ा परिवार होता है, बड़ा परिवार मतलब ये सबकी समाधि करा दे। अपना घर मतलब ब्रह्मचारी का अपना घर मतलब पूरा विश्व अपना परिवार, जरूरत पड़े दौड़े चले जाओ सेवा करने के लिए, समाधि कराने के लिए। आर्थिक अपने पास पैसे की ताकत हो तो पैसा खर्च कर दो, पैसा खर्च कर दो। बहुत बड़ा परिवार है, हमसे लोग कहते आप घर में रोटी नहीं खाते, मैं घर में खा समझो, वहां बहुत बड़ा घर है, छोटा घर थोड़ी है, ज्वाइंट परिवार है बहुत बड़ा, ढाई दीप। आपको विश्वास नहीं होगा हमारे साथ सब तरह की बातें बनती, मैं एक बार वहां गए, नाम नहीं बता रहा हूँ, चलो सुनते हैं ना आजकल सब लोग, इसलिए नाम नहीं बता रहा। हम वहां गए तो हमें ये बताया गया था कि उनके यहाँ चौका लगता है,
तब चल शुद्ध भोजन तो बना ही लेंगे लोग, चोखा लगता है तो बहुत मुनियों के आहार में उनके तब चल चोखा तो लग रहा था वो शुद्ध ही बन जाएगा। अब हमने दिन भर भोजन नहीं किया, सुबह से चल दिए थे 5 बजे और 3 बजे पहुंचे, और ठंड के दिन 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो हम नहाने धोने चले गए, हमें भोजन बन जाएगा, बना ही मिल जाएगा। हमें कहो भोजन, तो बोले आप बताओ कब बना, मैंने अब पूछ रहे कहा, अब पूछ रहे कहा बना, तुम जो जब शुद्ध बना लेते बना के रख लेते हम तो ले लेते, छुट्टी हो जाती, नहीं नहीं आप बताओ। तो हम चलो कुछ भाई फटाफट सब्जी करवाई एक तरफ, तो अब वो नमक जमीन पे कूटन लगी, जिधर बैठे थे कोई पहुंच गया डगर गया, और ये माने गए घोगा कर लिया। आप घर की बात बता रहे, घर जैसे कैसे रहे उस घर में जी बता रहे हैं हम, अब तुम हट जाओ सब, अब हमारा भोजन नहीं हुआ फिर तुम हट जाओ। हमने फटाफट आटो निकाल के आटो सुनो चौंकी, और फटाफट खाए और 5 बजे पहले पहले निपट पाए, मोटे मोटे 2 पराठे 4 पराठे खेचे बनाए बच्चे। हमने बिल्कुल कह दिया, हमें क्या, हमने कहा भूखे मर जाए, अब हम मर्यादा में रहे कि तुम हमारे घर में मेहमान और तुम और जो, हमें अब तुम हटो, हमें हमें भूख लग रही है। हमने कहा हमने इसलिए कहा दृष्टा है कि हम यहाँ से घर जैसे रहते, बुराई की कोई बात नहीं, उसमें कौन सी बात आए समझ में आया, पूरा विश्व अपना परिवार है, सबकी सेवा करो, आप अपनी माँ की सेवा नहीं करते, हमें हमारी तो बहुत सारी माँ है, हम सबकी सेवा कर रहे, जो हमारी वाणी समझ जाए वही हमारी माँ है, उसी की हम समाधि करा रहे, बिल्कुल करा रहे। मैं ऐसे उदार चिंतन रखो, क्यों क्यों ए, तो हम तो जैसे तो घर गृहस्थी में ही अच्छे थे, वहां तो 4 ही थे यहाँ तो 4 लाख हो गए, ए बहुत कम कह रहे तुम, 3 कम 9 करोड़ है, 2.5 दीप है, क्या समझ रहे तुम, क्या वो सबसे सत्वेशु मैत्री, सबसे मैत्री है प्रेम भाव, तुम तो बहुत कम समझ रहे। मुझे कंटाला आज तक नहीं है, किसी का भी फोन आया मजा, बच्चे तक रह गए मेरे पास, 5वीं 6वीं पढ़ने वाली रह गए, रहो बेटा खूब प्रेम से रहो, रह गए ये कह रहे हम, छोटे बड़े सब रह गए, रहो कहा दिखा, जितने दिन योग उतने दिन लाभ ले गए, बुराई क्या बात, कोई जरूरत थोड़ी हमारे पास रहो तो ब्रह्मचर्य लेना कंपलसरी है। अरे यदि तुम आदर्श ग्रस्त भी बन गए ना तो भी सेवा हो गई, आदर्श श्रावक बन गए ये भी सेवा है, हमें इतनी खुशी होती है इन बच्चों को, सच कह रहे इन बच्चों से पूछे सिंचन वगैरह कह रहे कि हर साल हम देखते हैं मंजन होता मंदिर में, और बड़े पापा पापा सब कहते हैं पहनो कपड़ा धोई दो बट मंजन करो प्रक्षाल करने चलो, हम नहीं जाते भग जाते खेल में, और इस साल देखो खुदाई कह रहे थे हम तो उनकी आवाज सुनने नहीं मिलता खुदाई, मैंने संग संग रहते रहते पहले खेलने आए थे, खेल बिल्कुल ही खत्म होगा बेचारो, जब हमें दया आ रही उनके खेल तो बिल्कुल खत्म ही हो गए, काम 12-12 घंटा 10-8 घंटा खेलते थे, लेकिन आज की तारीख में बिना कहे नहाना धोना दुपट्टे पहनना रोज पूजा करना रोज वो पाठ याद करना, खेलना तो हमें दिख ही नहीं रहा, खेलना कहाँ चला गया। लेकिन एक बहुत अच्छे संस्कार हो गए, बहुत अच्छे संस्कार हो गए, काम में मजा आ रहा है उनको दौड़ दौड़ के, और बाकी टाइम बचता तो बेचारे फालतू नहीं बैठते, पर प्रोजेक्ट बनाते वो एलक सुलक का स्वरूप लिख रहे, श्रोता के प्रकार लिख रहे, जिन माणी में खोज खोज श्रोता के प्रकार, फिर बीज मारजार का होते मारजार वोकैबुलरी बढ़ रही, मैं इतनी खुशी, मैंने हमारा मतलब है कि हमारा पूरा परिवार बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं हम, ये दृष्टांत हल्के नहीं दे रहे हम, और हम सबसे चाह रहे कि सब ऐसा सोचो, मैं तो उनको बहुत कलंकी मानता हूँ जो ये सोचते, उनको मोड़ा है उनको मतलब दे रहा नहीं कोई, ये भैया उनको क्या होता है, कभी बच्चों के सामने भी नहीं बोलना चाहिए हमारा बेटा है हमारा लाल है आ बेटा आ जा गोद में खिला, ए इतनी खा ले रोटी नहीं उधर बन गई, अच्छा हम खा लेंगे उधर, अच्छा कोई बात नहीं पियर जाए तो ए तुम तो निश्चिंत होके जाना हमारा बेटा है जी हम अच्छे से रखेंगे, मैं तो तुम सम्यक दर्शन के लायक हो चरणानी की सहेली, क्यों क्यों कह रहे हैं ये बात, सारे विश्व से मैत्री होती है तुम तो अपने खून से ही नहीं कर पा रहे, मैं सगे भैया को मोड़ा, मैं कई बार ऐसा करती मुझे इतना बुरा लगता है, कोई महिला विधवा हो गई कोई बात हो गई इतना बुरा लगता है लोगों की सोच,
अब कावी के हमारे घर भी जा दी, कहा होगा क्या, इतने मिलकर अपनी बच्ची नहीं है। मैंने मुल्तानगर की घटना सुनाई थी आपको, तो मेरी धर्म बहन ना तिजोरी में 100 रुपये निकाल ली, कोई बात नहीं। अमरचंद बाटिया का नाम बहुत फेमस है ग्वालियर में, उनको शराब में 3 दिन तक टांगा था फांसी पे, फांसी के बंदे पे 3 दिन टांगा रहा शरीर, क्योंकि उन्होंने सिंधिया घराने की वो थे राजकोष के कोषाध्यक्ष, समझ लो क्या कहलाता है, राजकोष के मंत्री। तो उस परिवार के होने पर भी अब वो वेतन देने के लिए नहीं था, स्वतंत्रता संग्राम की सेना नहीं, कोई तनखा तो है नहीं, सरकार तो है नहीं, सैलरी कौन दी। अब कहा तो यह जाता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को संयुक्त किया था उन्होंने उस जमाने में, तो 5-6 महीने का वेतन है, कितने महीने का वेतन, पूरा राजकोष में ऐसे निकाल दिया, ले जा सेना मजबूत हो गई, तो अंग्रेज आ रहे वहां पे, उन्होंने कहा इनको सहयोग कहां से मिला, जंगल घूम रहे सहयोग कहां से मिला, तो पता लगाते वो सब अपने में से कोई भेदिया होता ही है, उस भेदिया ने बता दिया अंग्रेजों से जरा जी नाम पाने के लिए कि ये बाटिया है, इन्होंने राजकोष में से पैसे इस तरह से दिए। तो उन्होंने फिर उन्हें भयंकर सजा दी, फांसी की सजा दी उनको। हमारे कहने का मतलब ये है कि सजा भुगतना मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपने देश की रक्षा, अपनी सहधर्मी की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते। उन्हें पता था कुछ भी हो सकता है, बोले कुछ भी हो जाए, एक आदमी की जान जाने से क्या होता है, इतने लोगों की जान बचना चाहिए। बड़े प्रसन्नता से गए फांसी के लिए, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें फांसी तो नहीं लग रही, ये कह रहा हूँ तुम्हें फांसी तो नहीं लग रही, फिर कह रहे भैया मुझे तो सच में अंदर से ऐसा लगता है कोई दीन ना रहे, कोई अनाथ ना रहे, कोई भूखा ना रहे, तुम तो भैया कभी जरूरत पड़ जाए तो हमसे जरूर कहो, हमारा बस लगता है हम सब करेंगे, और सब ऐसा सोचे, जो कह रहे सब ऐसा सोचे, कभी गैर नहीं, कोई परायापन नहीं होना चाहिए। मैं तो इसलिए कहता हूँ आपको, पुराण में से सैकड़ों कथानक सुना सकते हैं हम आपको, हमने सबको अपनाया है, समझ में है, बात तो कही चली थी, मर्यादा का बंधन, बाकी तो अर्थ हो गया इसका, यदि हाँ जी नहीं छपाई है ना बद महिमा, इसके अनव्यार्थ नहीं किया इसका, हाँ भावार्थ में अपन देख लेते हैं अभी, चलो अभी यार पता लग जाए, कर देंगे अपन अर्थ, बहुत बढ़िया अच्छा है, तो अपन नोट कर लेंगे इसमें, इसको पढ़ो भाई, छंद पढ़े अपन, बद तथापि मुक्त प्रतिभासित हो अरिष्ट नेमि भगवान, मुक्त नहीं हो तन अरु महिमाओं से बंधे नेमि गुणवान, किंतु न बंद मोक्ष से पार हुए जिन राज, अथवा मोक्ष रूप ही हो हे नेमिनाथ जिनेन्द्र, आप वर्तमान पर्याय में 4 अघातीय कर्मों से बद्ध हैं, ये अरण दशा की भक्ति कर रहे हैं ना, तथापि मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों एवं घातीय कर्मों से मुक्त हैं, अथवा आप असिद्धत्व अवस्था वाले हैं, शरीर सहित तथा अघातीय कर्म सहित होने से मुक्त नहीं हैं। आप शरीर एवं अष्ट प्रातिहार आदि बाह्य विभूति वाले होने से व्यवहार से बद्ध हैं, ठीक है, शरीर और समोसरण आदि अष्ट प्रातिहार आदि विभूति से बद्ध हैं, परंतु वे बाह्य शरीर व प्रातिहार आदि संयोग मात्र है बाह्य, आप तो राग रहित भीतरागी हैं, अतः उनसे मुक्त ही हैं, मैंने उनका आपको राग ही नहीं है, आपको उनसे राग नहीं तो मुक्त ही है, मैंने आपको समोसरण लगा, लेकिन आपने देखा तक तो है नहीं, राग तक तो किया नहीं, तो मुक्त काहे की बंदी। यदि ऐसी बात हो गई, हम रेलवे स्टेशन बैठे थे और कोई अपना सूटकेस रख गया हमारे बगल में, तो तुमने सोची इनको ही है, हमें कोई मतलब ही नहीं, वहां से कोई उठा लेगा तो उठा ले आप, क्यों तुम्हारे वो सूटकेस उठा ले जा रहे, तुम कभी कर नहीं रहे, कहाँ तो हमारा कहाँ है, नहीं यही रखा था, रखा होगा हमारा तो नहीं, मैंने बता बंदे की मुक्त है, लोग ये समझ रहे कि ये रखा है तुम्हारे बगल में तो तुम्हारा होगा, और चोर ले जा रहे तुम कुछ कह ही नहीं रहे, तोड़ फोड़ कर रहे तुम कुछ कह ही नहीं रहे, तो क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि जिसके प्रति हमारा राग नहीं है उससे हम मुक्त ही है,
ये दृष्टांत दे दिया, अब तुम लगाओ ये सूटकेस पत्नी बच्चे मकान दुकान जो कुछ भी है संयोग में, हमें राग नहीं है तो मुक्त, ये मोक्ष मुक्त अनुभव करने का मतलब क्या है बताओ। रेलगाड़ी में दृष्टांत दे रहे, रेलगाड़ी में और पुलिस वाले आए, क्यों जी किसका है, करोड़ों के हीरे रखे थे, कौन के हैं जी हमें नहीं पता, अब ले जाने लगे, ले जाओ मत क्या समाएगा, नहीं हमारे तो नहीं रखे रहते लेकिन जिनकी होंगे ले जाओ, कि तुम इतने बोल रहे मतलब तुम्हारा ही है, इतने लोग क्या नहीं बोले, तुम ही क्यों बोले, पकड़ो इसे, समझ गए बंधन, बंधन कैसे होता है, इसको देखते थे तुम कहते हो अरे इसको बुरा ना हो जाए, बंधो 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 वो लोग क्यों नहीं कह रहे इसके बारे में, तुम्हें क्यों लग रहा है, हाँ हाँ पर द्रव्यों के प्रति राग ही बंध है, लेकिन आपको समोसरण से राग नहीं इसलिए आप मुक्त ही हो, अनंत होने पर भी मुक्त हो, देखो गजब समोसरण से मुक्त ही हो, कोई जिम्मेदारी कोई विकल्प कोई राग आपको नहीं, आप तो राग रहित भीतरागी हैं अतः उनसे मुक्त हैं, उपरोक्त उभय अपेक्षाओं से देखने पर आप बद्ध व मुक्त दोनों हैं, दोनों से परे नहीं हैं, ये सभी अपेक्षाएं पर्याय में ही संभव हैं। यदि परमार्थ दृष्टि द्रव दृष्टि से देखा जावे तो आप एक चेतन ज्ञायक मात्र हैं। बद्ध मुक्त तो पर्याय संबंधी नए विकल्प रूप पक्षपात है, पक्षपात रहित होने से तत्ववेदी को आत्मा चेतन चमत्कार मात्र है। तो इसमें अनुवाद में तो महिमा ले लिया उन्होंने ना, अरु महिमाओं से बंधे नैमी गुणवान, हाँ जी बाह्य महिमाओं की चर्चा चल रही इसमें ना, महिमाओं से बंधी नहीं है तो ये अष्ट विभूति अष्ट प्रातिया समोसरण आदि ये आपकी महिमा है, व्यवहार महिमा, और इसी का अर्थ अभी तो इसमें निश्चय महिमा नहीं कहा था, पर निश्चय महिमा निकाल क्यों, कि व्यवहार महिमा भी किसको मिलती है बताया आपको, निश्चय महिमा में मग्न हो, समझाओ थोड़ा सा समझाते, देखो कैसे जो मर्यादित होते हैं ना, मर्यादित अपने जीवन में मर्यादा में रहते हैं, उन्हें ही दहेज दिया जाता है, उन्हें ही अच्छी कन्या मिलती है, अच्छी सामग्री किसे मिलेगी, तुम गैर मर्यादा का खाते हो तो कहाँ फंसोगे, गैर मर्यादा अब तो मर्यादा ए भैया भी नहीं खा देता, ए भैया चलो तो भैया इनके भोजन में क्या बनवा, भाई बनी तेने दाल ही उबली हुई दाल रोटी सब्जी, लेकिन हलवा जरूर बनवाए बादाम को, तो हम भी चल रहे जैसे तो नहीं ले जा रहे थे, तुम बादाम के हलवे के नाम पे वहां जाना चाह रहे, वे अपनी मर्यादा नहीं छोड़ रहे, तुम्हारे मैसूर पाक देख के भी और तुम्हारी मिठाइयां देख करके भी वे अपनी मर्यादा नहीं तोड़ रहे। ब्राह्मणों को भरत चक्रवर्ती ने सम्मान क्यों दिया था, कि उन्होंने सबकी परीक्षा ली, महल में आओ कल, कल सबका भोजन है महल में आओ, और घास लगी सब में वहां की तो सब चले गए, ब्राह्मण लोग तो रुके, ब्राह्मण माने असली जय, ब्राह्मण माने असली जय, ब्राह्मण नहीं आज करवा ब्रह्म स्वरूप की आराधना करे उसका नाम ब्राह्मण, तो जो असली जैन थे प्रतिमाधारी वे ब्राह्मण थे, मतलब ब्रह्म स्वरूप की आराधना करे तो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण थे सब घास पे पैर नहीं था, सो कच्छ लोग तो जो डुल्ले पिल्ले थे अरे तो बड़े चक्रवर्ती नाराज हुए अपन को निमंत्रण मान के नहीं जाए तो भरत चक्रवर्ती है और कुछ भी हो सके भगा दें देश निकालो दे दें संपत्ति छीन लें उनके राज जो है सब कुछ भैया अपन तो चल चलो कुछ बात नहीं खा पी के आ जाए बाद में प्राश्चित कर लेंगे जो कुछ ढिल्ले पिल्ले थे लेकिन वे तो भैया जो कट्टर थे वे तो भाई खड़े रहे चाहे भरत चक्रवर्ती नाराज हो जाए चाहे देश निकाला दे दें चाहे संपत्ति छीन लें चाहे कुछ करें घास पे तो पैर हम नहीं रख सकते। मैं तो इस कथा को क्यों बता रहा हूँ उन्होंने भी मर्यादा में रहे निज मर्यादा में निज महिमा अपनी निज स्वभाव की मर्यादा में रहे मर्यादा में तो उन्हें सम्मान मिला तब उन्होंने उनको डिक्लेयर किया कि अब सुनो बहुत बड़ी बात कही थी उस समय कि ब्राह्मण कितनी भी बड़ी गलती कर देगा बाई दबे करते थे अरे ब्राह्मण गलती तो करते नहीं लेकिन कर भी देंगे तो अभी वो अवध रहेगी अवध मैंने उनका फांसी नहीं दी जाएगी उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा उनका उभुन स्थितिगण किया जाएगा वो समय की बात अभी तक इन्हें चल रही है
कि ब्राह्मण राजतंत्र में ब्राह्मणों को हत्या नहीं करती, मतलब चाहे बोले कितनी बड़ी गलती कर दी, इनके पुराणों में लिखी है सब बातें। मैं तो जो बात कहना चाह रहा हूँ वो समझो, निश्चय अपनी मर्यादा में रहने वाले को बाहर की मर्यादा का महिमा मिलती है, अंदर की महिमा को समझने वाले को बाहर की महिमा होती है। बहुत सरल है, अच्छी भाषा में बोलो, अपने को भगवान समझने वालों को ही सब भगवान समझते हैं। कुछ कहा मैं जल्दी से कह गया, क्या कहा? अपने को भगवान समझने वालों को सब भगवान समझते हैं। ध्यान रखना, जो अंदर में ये समझ रहे हम तो ऑलराउंडर ब्रह्मचारी हैं, तो फिर ऑलराउंडर लोग ही कहेंगे तुम्हें, फिर मत बोलना हमारी इज्जत नहीं होती। इज्जत क्यों नहीं होती? कि तुम खुद ही अपने को भगवान नहीं समझते, अपने को ब्रह्मचारी नहीं समझते। ब्रह्मचारी माने आनंद में पूर, आनंद में चूर, आनंद में निमग्न, तुम खुद ही नहीं समझते। अब हमें तो सब चला, शीतलाचार्य के नाम पे सब चला, तो सुनो फिर दुनिया में भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। एक बात बोलूं आपको, सारे समाज में जो अंदर में अपने को भगवान नहीं समझते तो बाहर में शीतलाचारी। इस वजह से हर माँ बाप डरता है कि हमारा बच्चा ब्रह्मचारी ना हो, कहे कि उनकी दुर्दशा दिखती है ना ऐसे ब्रह्मचारियों की और आगे पद वालों की भी दुर्दशा दिखती है, कोई पूछता नहीं समाज आया से तकलीफ होती है। इससे असली मार्ग बदनाम होता है। क्या बोल रहे? असली मार्ग बदनाम होता है। हम फिर कह रहे हैं भैया आत्मा के लिए देह छोड़ दो, आई कर्म भी मृत भा, मर जा भले लेकिन शीतलाचार मत करो, शीतलाचार मत करो, देह छोड़ दो, कोई बात नहीं। क्यों? मार्ग बदनाम हो जाएगा तो जो लोग दूध का जला छा जी भूखेंगे, फिर कोई मार्ग में नहीं आएगा। पढ़ लेना, बहुत बड़े बड़े दंड लगे इसके लिए, बहुत बड़े दंड। गृहस्थ लोगों से पाप होता है तो उन्हें उतना बड़ा दंड नहीं, गृहस्थ शीतलाचारी होते हैं उन्हें उतना बड़ा दंड नहीं है, उनकी ज्यादा ज्यादा होगी तो मात्र निंदा होगी। लेकिन ब्रह्मचारी यदि शीतलाचारी हो, साधु यदि शीतलाचारी हो, तो लिखा है उन्होंने कई गुना पाप किया, अपना आयत किया नंबर वन, निर्दोष मार्ग की परंपरा बिगड़ी नंबर दो। अब उन्हें देखकर कितने ही जीव इस मार्ग में आएंगे नहीं, दीक्षा नहीं लेंगे, तो उन्होंने युगांतरों तक मोक्ष मार्ग को बिगाड़ने का पाप किया, जिन्हें देव की कलंकित किया, मैंने शासन को पाप, भविष्य शासन को कलंकित किया, ऐसे ऐसे पाप लिखे उसमें। खूब सोचो अच्छी तरह से, जल्दबाजी नहीं है कोई, अपनी ही महिमा जैसे नहीं आती हो दूसरी महिमा कैसे करेगा। हमें तो बहुत आनंद है, सबको ही आनंद होना चाहिए, इसलिए कह रहे भाई खूब आनंद करना चाहिए, अपनी मर्यादा बनाओ और हमें नहीं कहे भावुक होकर मर्यादा बनाओ। पंडित साहब की भाषा बहुत सुंदर इस मामले में, क्या बोलते हैं? जिन मार्ग में आत्म कल्याण के मार्ग में भावना तो का मार्ग है, भावुकता का मार्ग नहीं है। भावना वो है जो बढ़ती चली जाए, घेरे नहीं। अब क्या करे, नियम ले लो तो तुम साइज में कह दो हमने नियम तोड़ दो, कह दो धोखे धड़ी में मत रखो, नाम बड़े और दर्शन छोटे कभी मत करो, महापाप है, महापाप त्रियंत गति का बंध है। नाम बड़े रखो, काम छोटे करना, ये त्रियंत गति का बंध है। साहब कह दो क्या दिक्कत, कम बताओ ज्यादा पालो, क्या दिक्कत है? नहीं है ताकत तो भावुकता मत करो, भावुकता में जितनी जल्दी उत्थान होता है उससे भी कई गुना जल्दी पतन हो जाता है। बिल्कुल नहीं भाई, आहा, बहुत बढ़िया सूक्ति है समन्त गोस्वामी की, न धर्मो धार्मिक ही बिना। तुम क्या सोच रहे, हम सुनना सभी लोग बेटे, कभी अपने को ये नहीं समझो एक अकेले से क्या हो जाए। नहीं भैया, तुम धर्म हो, चलते फिरते धर्म हो, चलते फिरते जिन शासन हो, एक एक धर्मात्मा, एक एक श्रावक, एक एक मुनिराज, एक एक साधु, आपा सब ब्रह्मचारी त्यागी जो भी है सब, भी क्या है पता है? महावीर भगवान का चलता फिरता शासन। तुम अपने आप को लड़का क्या समझ रहे? अपने आप को स्वतंत्र ब्रह्मचारी क्यों समझ रहे? स्वतंत्र साधु क्यों समझ रहे? कई बार तो कह देते ना उनके परिणाम को फल उन्हें मिले, झूठ बात है। सुनना बहुत, फिर से कह रहा हूँ, कभी ये मत सोचो कि हमारे परिणामों का फल हमें मिलेगा। आप जिस जाति संप्रदाय संस्कृति में हो सबको दंड मिलता है। आपको पढ़ना चाहिए इतिहास, इतिहास पढ़ के देखो, दक्षिण में एक आदमी की गलती से लाखों जैन मारे गए,
और 8,000 साधुओं को एक ही दिन में फांसी पे लटकाया गया, सूली पर। सूली समझते हो, ये सूली नहीं तुम्हारी हाथ वाली लकड़ी की बनाई जाती थी, ऊपर नोक रहती थी और उसमें बिठाया जाता था गुदा द्वार से और खींचा जाता था, ऐसे मारा है। ये फांसी नहीं है, एक दूसरा तरीका ये है, उसमें तो यही लिखा है, इसी तरह से मारा, मतलब उनको बिठा करके इस तरह से मारा। दूसरे को ऐसे ही पेट में उल्टा लेटा के ऐसे खींचते हैं, दोनों हाथ दोनों पांव, ऐसी सूली दी है 8,000 साधुओं, और इसके दृश्य है वहां लगे हुए मदुरई में मीनाक्षी मंदिर में। उस सूली की आज भी पूजा करते हैं भी लोग, मथुरा क्या नाम इधर अपने चेन्नई से लेकर के मदुरई कहाँ वहां तक, यहाँ तक है जी तुम्हारा क्या कहलाता है पूरा दक्षिण का, रास्ते में जगह जगह सूलियां बनी, पूरे रास्ते में जैनों को सताया गया है। एक एक व्यक्ति गलती है, एक घटना है, एक जैन की लड़की पर कोई नवाब मोहित हो गया, नवाब मुसलमान, तो उसे कह रही है मैं शादी कर, तुमने कह दिया बारात लिया, बारात लेके आ गया हो, समय कोतिया बांधी थी और उसके गले में लटकी थी, इससे शादी कर ली और भग गए जैन लोग, जैन लोग तो भग गए सारे, और ऐसा लटका है। तो उसे इतनी गुस्सा आई कि अपमान तो अपमान ही होता है ना, बारात लेके आया और कोतिया बांधी थी वहां तक, तो उसे इतनी इतनी तकलीफ, उसने पूरे अपने प्रदेश में एक भी जैनी को जिंदा नहीं छोड़ा। 250 मंदिर से ऊपर है मस्जिद बना दिए गए। आप क्या समझ रहे हो, एक आदमी की गलती, तुम क्या सोच रहे हो हम अकेले, इसलिए हम कभी भावुक नहीं करते भैया कि तुम ब्रह्मचारी बन जाओ, पहले तोलो, निर्दोष प्रभाव ना कर सको, नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, कम से कम विराधना तो मत कर, प्रभावना नहीं कर पा कोई बात नहीं, लेकिन विराधना मत कर, मार्ग बदनाम हो जाए, हमारी पीड़ा समझते हो, इधर से हमारी पीड़ा, और हमें कोई कोई राग द्वेष नहीं किसी से, क्या लेन देन है हमें, बहुत समझना भैया, बहुत सुंदर मार्ग है। समय साजी गाथा सुना सर, उसी ने कहा मास्तरे से निंदा करे, निंदा करे कोई मास्तरे से इस मार्ग की, तो सुनकर भक्ति न कीजिए, पढ़ लेने गाथा आज, बहुत अच्छी गाथा है, अष्टावक्र की है, कोई मास्तरे से निंदा करे जिन साधन की तो भक्ति मत करना। हमें तो सच कहते हैं, आप लोग कुछ भी लगता होता है, हमें बड़ी तकलीफ होती जब कोई साधु पकड़ा जाता है, साधु के पास कोई घटना घटती तो हमें बड़ी तकलीफ होती, क्यों, ये जैन शासन है, व्यक्ति नहीं बदनाम होता है, आप क्या समझते हो, हम कॉलेज में पढ़ाते थे उस समय घटना घटी थी और अखबार में छपा था, वो सब हुआ तो बहुत तो हंस रहे थे सब हमारे कॉलेज में, कहो जैन साहब, तो हमें कही भैया तुम्हें पता है इस पूरी घटना का ब्यौरा किसने दिया तुम्हें, सीबीआई ने नहीं दिया, जासूसों ने नहीं दिया और पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा, ये ब्रह्मचारी एक सुमत प्रकाश जी है मथुरा के बुजुर्ग, उनने आरोप लगाया और उनने ही आलोचना की इस बात की, ये क्यों हो रहा गलत, अब पूरा पढ़ो, मैंने कहा किसी में है ऐसी ताकत कि अपने अंदर के साधुओं में यदि गलती हो तो उजागर कर दे, हमारे समाज में ऐसा होता है, हमने कहा तब तब उनका मुंह बंद हुआ था। एक चल सड़क पर चलते मिजाज बदनाम होते हैं, पता नहीं कौन पे कौन सा संकट आ जाए, इसलिए बिल्कुल बेटी नहीं है ताकत, बिल्कुल मत करो। गोपाल दास जी भैया जी ने क्या लिखा था, इससे ऐसे मर खटने बैल से तो हमारी गौशाला सूनी पड़ी रहे तो अच्छी, काय का पढ़ना हुआ बेटे आज, महिमा, महिमा माने निश्चय महिमा मर्यादा, महिमा का मतलब मर्यादा, आप अपनी मर्यादा का सम्मान करो, व्यवहार में जो मर्यादा ली उसका सम्मान करो, अंदर में जो मर्यादा है स्वरूप की, वस्तु स्वरूप द्रव्यादियों की, आप उसकी मर्यादा का सम्मान करो, विश्व आपका सम्मान करेगा, सम्मान लेने जाओ ही मत, मांगो ही मत, सोचो ही मत, विकल्प ही मत करो, ऑटोमेटिक अष्ट प्रातिहारे आएंगे, चिंता क्यों करती, समझ आया नहीं, स्वरूप की महिमा, एक महिमा का छंद है बहुत अच्छा, टोडम जी ने कोट भी किया उसमें, निज महिम रता नाम, अपनी महिमा, महिमा बहुत बड़ी है भैया, ध्यान रखो, जैसे नहीं समझ में आया तो और पूछना, भगवान हो तुम, इतनी महिमा है तुम्हारी, भगवान हो तुम, चेहरे गहरे नहीं हो, चलते फिरते नहीं हो, ऑलराउंडर नहीं हो, बिल्कुल कह रहे हैं हम, आप अपनी महिमा समझो,
तो ये महिमा आपकी प्रकट होगी। हाँ अरे क्या कहें भैया, बस अंतिम भाग कह रहे, यदि तुम सचमुच महिमाशाली हो गए तो सीता की तरह अग्नि बुझेगी, शेर सुदर्शन की तरह सूली हो जाएगी, देवता आ जाएंगे और सिंह और गाय, सिंहनी और गाय एक साथ पानी पिएंगे, चरणों में लौटेंगे। तुम अपनी महिमा मत भूलो कि तुम भगवान हो, तुम गुरुध्रुव हो और इस विश्व का कुछ नहीं कर सकते तुम, ये महिमा है तुम्हारी। समझ लो एक घंटा प्रवचन हो सकता है इसमें, सारा विश्व मिलकर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तुम्हारी महिमा है और तुम्हें भी विश्व में कुछ करने की जरूरत भी नहीं है और ताकत भी नहीं है, ये महिमा है तुम्हारी, इसलिए सारे विश्व से निर्विकल्प हो जाओ। क्या करें, पति के मारे परेशान है, बिल्कुल परेशान मत हो, बच्चन के लारे मरे जा रहे, नहीं मरो, आनंदवान मरे तो मर ही रहे हो, नहीं मरो, सबको कहा हुई है, क्या करो, बहुत सोचना भैया, बहुत अपनी महिमा समझो, है ना, विचार करना। ओम नमः शिवाय।